हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे आपको भरना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ऑनलाइन आपने कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले गूगल में अपना apposts.in/GDS online आपको वेबसाइट खोल लेनी है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको वहां से आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वेबसाइट पर आएंगे, ये देख सकते हैं आप ग्रामीण डाक सेवक की जो ये वेबसाइट है, और यहां आपको नीचे आना है और ये आप देख सकते हैं स्टेप टू अप्लाई, यहां आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, तो आपको रजिस्टर ईयर आपको इस पर क्लिक कर लेना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म पर आप पहुँच जाते हैं। तो आपको दोस्तों बता दूं कि जैसे कि अभी आपको बताया मैंने पिछली वीडियो में, तो अभी जो वैकेंसी आ रखी है दिल्ली झारखंड हिमाचल प्रदेश के लिए आ रखी है, दिल्ली झारखंड और हिमाचल प्रदेश सर्कल के लिए आ रखी है। तो अभी केवल इन तीन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको रजिस्टर्ड ईयर करना है और उसके बाद आप इस फॉर्म पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम भर लेना है, यहाँ जैसे कि आप ये देख सकते हैं आप अपना नाम भर लेना है आपको। फिर फादर्स नेम भर लेना है, फादर नेम क्या है आपका वो 10th की मार्कशीट में जो है वो आपने भर लेना है। मोबाइल नंबर भर लेना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी भर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद ये देख सकते हैं आप इसमें अनरिजर्व OBC SC ST इसमें कम्युनिटी का दे रखा है, और इसमें EWS कैटेगरी का भी सेक्शन इसमें दे रखा है। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना है, और उसके बाद ये यहाँ पे आपका ये जैसे कि रिफ्रेश होने के बाद पेज अब ऑटो रिफ्रेश हुआ है, और उसके बाद यहाँ दिखा रहा है कि EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल फॉर अपलोड, अगर आपके पास है और आप अपलोड कर सकते हैं तो आपको यस कर देना है। ये फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, और यहाँ उसकी फिर डेट आपको डालनी है कि वो वैलिड कब तक का है, वैलिड कब तक है वो सर्टिफिकेट आपका। तो हमारे पास है नहीं तो हम नो कर देते हैं, और यहाँ भी हमें नो करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको ये कर देना है। उसके बाद आपको फिजिकल हैंडीकैप के लिए पूछ रहे हैं, यस नो आपको करना है, और अगर यस है तो कौन सी कैटेगरी है फिजिकल हैंडीकैप की वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका सर्कल कौन सा है जहाँ से आपने 10th पास किया, तो उसके बाद यहाँ जैसे कि तीन जगह के लिए वैकेंसी है तो तीन ही जगह का नाम दिखा रहा है, तो इनमें से एक आपको चूज कर लेना है। और उसके बाद ये आपको चूज कर लेना है कि कौन सा आपका बोर्ड था, जो जौन सा स्टेट आप सिलेक्ट करोगे उस स्टेट में जौन सा बोर्ड होगा उसका यहाँ नाम आ जाएगा। 10th पास का ईयर कौन सा था वो आपको भरना पड़ेगा यहाँ। उसके बाद आपको जैसे कि आप ये देख सकते हैं अपलोड फ़ोटो, आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो का जो साइज़ है आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं आपका होना चाहिए, और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको साइन अपना अपलोड करना है, साइन अपलोड करने के लिए आपको ये देख सकते हैं साइन और फ़ोटो जो अपलोड होगी वो उसके लिए आपको चूज़ फाइल करना होगा। चूज़ फाइल करके आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में से अपनी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है, उसके बाद ओपन कर देना है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से फ़ोटो सिलेक्ट हो गई है, इसी तरह से आपको साइन भी सिलेक्ट कर लेना है, ओपन करना है। साइन पहले अपने साइन को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ओपन यहाँ से नीचे से ओपन करके यहाँ देख सकते हैं साइन आ गए हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है ये कैप्चा कोड यहाँ भर लेना है। तो दोस्तों, कैप्चा कोड भर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ आपको अग्री पे यहाँ नीचे क्लिक करना है, यहाँ टिक पे इस पे टिक ये टिक करना है, और उसके बाद आपको सबमिट डिटेल कर देना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सबमिट करने के बाद आप ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टेज और इंडिया ये देख सकते हैं, और इसके बाद डेट और टाइम दिखा रहा है ये रजिस्टर्ड करने का। तो आप ये देख सकते हैं आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने अपने पास सेव करके रख लेना है, और ये आप देख सकते हैं जो सर्विस नेम है वो GDS के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है तो ये है, और इसमें आपकी बाकी पूरी डिटेल आपकी आ जाती है। आपने जो कम्युनिटी भरी है UR भरा है हमने, और UR में हमने EWS टिक किया है, तो EWS का हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके लिए EWS पे। तो अगर नहीं है तो आपको यस कर लेना है, और सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि नहीं अपलोड के लिए उस पर नो क्लिक कर लेना है, और तब तक हमें अपना EWS का सर्टिफिकेट बना लेना है। पूरी डिटेल यहाँ आ गई है, और इसको आपको उसके बाद अपने पास सेव करके रख लेना है। तो दोस्तों, जो
इसके लिए फ़ीस है, फ़ीस की डिटेल इसमें पूरी आ रही है। जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये देख सकते हैं आप, 100 रुपये फ़ीस है प्रति 5 पोस्ट के लिए। आप यानी कि आप जो इसमें पोस्ट हैं उनके लिए आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस उसके बाद आपको ये अपने पास सेव रख लेना है, तो हमने ये सेव रख लिया है। वो साथ ही आप इसको प्रिंट करके रख दें, तो इसको प्रिंट कर देना है उसके बाद, तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको भी इसको प्रिंट कर देना है। तो दोस्तों हमने प्रिंट कर लिया है और ये हमारे पास अब सेव हो गया है। और उसके बाद हमें ये देख सकते हैं आप, इसके लिए फ़ीस का इस तरह से करना है। फ़ीस का ये दो ऑप्शन दे रहा है, तो ये देख सकते हैं आप ये एक तो ऑफिस से फ़ीस जमा करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, या ऑनलाइन फ़ीस आप करा सकते हैं। तो ऑनलाइन पर हम क्लिक कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे कि आप ये देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ हमें भर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर हमने भर लिया है, ये आप देख सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी यहाँ अपने आप आ गई है रजिस्ट्रेशन नंबर भरते ही, देख सकते हैं आप। और नेट बैंकिंग का जो इसमें चार्ज लगेगा 10 रुपये चार्ज लगेगा, और बाकी इसमें कोई चार्ज नहीं है। और उसके बाद हमें मेक पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों उसके बाद ये देख सकते हैं आप, इसमें ऑनलाइन जो गेटवे होता है पेमेंट करने का उस पर हम आ गए हैं। तो ये 4-5 ऑप्शन हैं, यहाँ से किसी भी ऑप्शन से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो वैलिड जो ई वैलिड होता है कैश कार्ड है उनसे भी आप कर सकते हैं, ई वैलिड का आप यहाँ से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको उसके बाद मेक पेमेंट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो है GDS का फॉर्म भर सकते हैं, और इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये देख सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो ऑनलाइन जो अप्लाई करने का जो डेट है शुरू करने का वो 13/6/2019 से है। तो 13 तारीख को जब ये शुरू हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे इसी तरह से वीडियो के माध्यम से कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको इसी तरह की अन्य जानकारी समय समय पर मिलती रही। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।